राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर गौरव अरोड़ा, मेरा पशु 360 से। आज हम बात करेंगे कोलोस्ट्रम फीडिंग के बारे में। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है? ताज़ा ब्याई भैंस का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, जिसे आम भाषा में खीस बोलते हैं, वो कोलोस्ट्रम होता है। कोलोस्ट्रम और दूध में क्या फ़र्क है? देखिए, रंग का तो फ़र्क सबको पता ही है कि दूध सफ़ेद रंग का, कोलोस्ट्रम पीले रंग का। पर कोलोस्ट्रम में ऐसा दूध से अलग क्या है? जो हमारा कोलोस्ट्रम है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, दूध में प्रोटीन थोड़ा कम होता है। कोलोस्ट्रम में फैट और शुगर, यानी कि मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है और फैट थोड़ा ज़्यादा होता है दूध में, और कोलोस्ट्रम में फैट और शुगर दूध के कंपैरिजन में कम होता है। जो कोलोस्ट्रम है, इसे जो हमारा छोटा काफ है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसे पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोलोस्ट्रम फीडिंग से ही उसके अंदर इम्यूनिटी बनती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बनती है वो कोलोस्ट्रम फीडिंग से ही बनती है। जो कोलोस्ट्रम है उसे बॉडी वेट का 10%, यानी कि जो आपके काफ का वजन है उसका 10% जो वेट है, उतना कोलोस्ट्रम हमें उसे एक दिन में पिलाना चाहिए। यानी 30 किलो का काफ है तो एक दिन में 3 लीटर, 40 किलो का काफ है तो एक दिन में 4 लीटर कोलोस्ट्रम हमें उसे पिलाना चाहिए, जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छे से बन सके। प्रॉपर कोलोस्ट्रम फीडिंग से, मतलब कि अच्छे से खीस पिलाने से, पशु में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है वो उसे काफ डायरिया से, काफ न्यूमोनिया से, इसके साथ साथ अन्य भी कई बीमारियों से बचाती है। अगर आप कोलोस्ट्रम उसे अच्छे से पिला रहे हो, मतलब अगर उसे खीस अच्छे से पिला रहे हो, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसका शारीरिक विकास भी बहुत बढ़िया होगा, उसकी हाइट वेट बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ेगा, जिससे आगे जाकर वो एक स्वस्थ पशु बनेगा। अगर वो कटड़ा है तो आगे जाकर वो बहुत स्वस्थ और मोटा ताज़ा झोटा बनेगा। अगर वो कटिया है तो बड़ी होकर वो बहुत ही बढ़िया झोटी बनेगी, बढ़िया दूध देगी। और इस तरह से जब वो बचपन में ही खीस अगर आप उसको कम पिलाएंगे तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम बनेगी, उसे जीवन भर बीमारियों से उलझना पड़ेगा, और जीवन भर अगर उसे बार बार बीमारियां होंगी तो सीधी बात है पशु का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा, और साथ के साथ वो आगे बड़ा होकर जो पशु बनेगा तो जो झोटा होगा अगर वो, तो झोटा भी आपको कमज़ोर दिखाई देगा, और अगर वो भैंस है तो भैंस बड़ी होकर दूध कम देगी, उसे बार बार बच्चेदानी की प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से अन्य और भी बीमारियां लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में ना हो, इसे बचाने के लिए हमेशा कोलोस्ट्रम को अच्छे से पिलाना चाहिए, क्योंकि कोलोस्ट्रम ही एक तरीके से स्वस्थ जीवन की बुनियाद बनेगा। धन्यवाद। घर बैठे स्वस्थ पशु संतुलित आहार के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मेरा पशु 360 ऐप।